हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल और स्वागत है आपका कोमल किचन में। आज मैं आपके लिए टारकोस की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम टारकोस बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका देखेंगे। साथ में इसको बनाने में जो भी सामग्री लगेगी वो ऑलमोस्ट सभी के यहाँ होती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर टारकोस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टारकोस बनाने के लिए हमें इसका डो रेडी करेंगे। तो एक कप मैंने मैदा लिया है और एक कप गेहूँ का आटा। मैदा और गेहूँ का आटा दोनों आप एक बराबर लें। इसी के साथ हम डाल देंगे नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। इन सभी चीज़ों को हम पहले एक बार मिला लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये कि इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो मैंने बना लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कर ले। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल के गरम होते ही बड़े साइज़ की प्याज मैंने लिया है, इसको पतले टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन ना करें, ट्रांसपेरेंट करना है हमें। तो प्याज हमारी पक चुकी है, इसे निकाल लें। अब 3 उबला हुआ आलू मैंने लिया है, आलू को हम ग्रेट करेंगे। तो आलू को ग्रेट कर ले, इसके बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो आलू हमारी तैयार है, सारी आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं 5 रुपये वाला मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपने इसे एक बार डाल दिया तो बाकी किसी मसाले की डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक डाल दें स्वाद अनुसार। इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया। नमक का यूज़ कम करें क्योंकि मैगी मसाले में भी नमक होता है और आटे में भी हमने नमक डाला था। तो इन सभी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स, और मिक्स इसे अच्छे से आप करें। लास्ट में हम डाल देंगे इसमें प्याज जो हमने फ्राई किया था। तो प्याज की क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, उसे डाल के मिक्स कर दें। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे आटे की। तो जितना बड़ा आपको उसकी रोटी बनानी है उस हिसाब से लोइयां तोड़ें। इन सभी लोइयों को हम पहले से बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई हमारी बनकर तैयार है, अब हम इसे बेल लेंगे। तो पहले डालेंगे थोड़ा सा मैदा ताकि ये चिपके नहीं, और इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा ना बेले और ना जब बहुत ज़्यादा मोटा, बिल्कुल भी पतला भी नहीं करना है। तो मीडियम साइज़ का हमें इसे बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो मैं आपको इसकी थिकनेस एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना पतला बस बेलना है। इसे रख दें प्लेट में, रखा मैंने। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में मैंने पैन रखा है, पैन के गर्म होते ही हम इसमें रोटी डाल देंगे। रोटी को एक साइड पक जाने दें, इसे दबा दबा कर आप करें। इसे पूरा नहीं सेकना है, इसे कच्चा पक्का सेकना है। तो इसे पूरा ना सेके, इसको हम एक रोटी बन चुकी है हमारी, प्लेट में निकाला मैंने। इसी तरीके से हम सभी बना कर तैयार करेंगे। अब हम एक प्लेट में रखेंगे रोटी, और रोटी के ऊपर 1 टेबल स्पून डाल देंगे टमाटो सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से फैला लें और चारों तरफ इसे बराबर से लगा दें। इसे लगाने के बाद जो हमने आलू डाला था, बना के रखा था आलू का मसाला, तो प्याज मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो एक साइड पर हम इसमें आलू का मसाला डाल देंगे जो हमने बना के तैयार किया था। एक साइड ही डालें, पूरे पे नहीं लगाना है हमें। आलू का मसाला लगाने के बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उस डालें। मैं मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो चीज़ आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ लगाने के बाद हम इसे दूसरी साइड से इस तरीके से बंद कर देंगे। रोटी को पलट दें और ये हमारी टाकोस बनकर तैयार है। तो बाकी टाकोस को भी मैंने इसी तरीके से बना लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पैन गरम किया, पैन में डालेंगे हम बटर। तो बटर को आप मेल्ट हो जाने दें, गैस का फ्लेम करें लो टू मीडियम।
इसमें हम दो टाकोस डालेंगे ताकि इसमें दो ही टाकोस की जगह आए। तो इसे एक साइड से पक जाने दें, एक मिनट लगता है पकने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो अब हम इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाए। तो इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो दूसरा टाकोस को भी हम इसी तरीके से पलट देंगे, तो इसे दूसरी साइड भी पका लें। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। टाकोस हमारा बनकर तैयार है, इसे प्लेट में निकाला मैंने। दूसरा को भी, इस दूसरे को भी निकाल दें। तो इसी तरीके से हम अपने सभी टाकोस को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो टाकोस हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है, चीज़ हमारी अच्छी पक चुकी है। तो टाकोस दिखने में जितना सुंदर लगता है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इसे इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगा। जब भी आपको नाश्ते में, चाहे सुबह का हो या शाम का, आप किसी के भी साथ इसे खाएं, कभी भी बनाकर खाएं, आपका पेट ज़रूर भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।